हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस हो चुका है। जिन बच्चों को भी एग्जामिनेशन देना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चाहे वो UGAT हो या PGAT, दोनों के लिए एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन की जो डेट्स हैं और एग्जामिनेशन की डेट्स, नई वाली जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, तो कैसे आपको चेक करना है। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम चलता कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमने पहले वीडियो बनाई थी कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जामिनेशन की जो डेट्स अनाउंस हो गई हैं उसे कैसे चेक करना है। नई डेट्स आई हैं उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन देना, उसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना, उसी हिसाब से आपका UGAT का और PGAT का एग्जामिनेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चैनल सब्जेक्ट है ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीज़न इसका तीन है। पहला रीज़न ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड जो अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले इसी चैनल पर आती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम चलता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें, या फिर अगर एडमिशन ले भी लिया आपने तो जो आपके 3 साल 4 साल वहाँ पर पढ़ाई करने वाले सेमेस्टर होने वाले हैं, आपके एग्जामिनेशन होंगे, आपके एडमिट कार्ड आएंगे हर सेमेस्टर के, हर सेमेस्टर में आप नई सीटिंग अरेंजमेंट होगा, आपका नया सीट नंबर मिलेगा, कौन से क्लास में आपका नंबर आया है, कौन से सेक्शन में नंबर आया है आपका, कौन सी जगह पे आपको जाना है, नए डीन कौन आया है, नया HOD कौन है आपके डिपार्टमेंट का, नई क्लासेस कब शुरू होने वाली हैं, और जो भी वाइवाज होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, इंडस्ट्रियल विजिट्स होंगे, ये कब कब होंगे, कब कोई भी इवेंट जो कॉलेज का होगा, कल्चरल फेस्ट होगा, टेक्निकल फेस्ट होगा, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेज में, एनुअल डे होता है, सेलिब्रेशंस होते हैं, ये कब कब होने वाले हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब भी सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी होंगे, कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पर आने वाली है। तो मेक श्योर करेंगे आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे कैसे चेक करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से चेक करते हैं, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, पर आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप मुझे फॉलो करें, एक्जैक्टली वही करें जो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020, और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले वहीं पर आती है। तो मेक श्योर करें कि आप IAS पेपर लिखेंगे, इसे सर्च करेंगे, मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं मैंने अब गूगल में ये लिखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020, उसके आगे आपको लिखा है IAS पेपर। इसे सर्च करेंगे, जैसे आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 और यहाँ पे आपको दिख रहा है IAS पेपर। ओके, यहाँ पे देख लीजिए IAS पेपर ये लिखा है IAS पेपर, इसे ही हमें ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, मैं इसे ओपन कर दिया हूँ और मैं इस पेज को 150% जूम करके रखा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। एप्लीकेशन जो लास्ट है 31 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे स्टूडेंट्स, एक्सटेंड हुआ था UGPG कोर्सेज का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता था, ये फेमस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की जिसमें UGPG डिप्लोमा रिसर्च कोर्सेज होते हैं। UGAT एंड अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड एडमिशन टेस्ट और PGAT यानी पोस्ट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट LAT लॉ एडमिशन टेस्ट होते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इस फॉर्म को जरूर भरते हैं, अपना यहाँ पे फुल नाम, आपका ईमेल ID, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करो, आप कहीं और के हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कहाँ के हैं आप, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इलाहाबाद का हूँ तो इलाहाबाद पर क्लिक करो, आप कहीं और के हो सकते हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो भी आपको इलाहाबाद ही लिखना पड़ेगा। खैर, मैं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाके में है जहाँ पे बिजली, पानी, सुख सुविधाओं और आज की सुख सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ दे सकूँ। यहाँ पे अगली चीज़ ये है इंपॉर्टेंट कि कई बार स्टूडेंट को ये नहीं मालूम चलता कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेंगे, तो ये फॉर्म भरना काफ़ी अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे या फिर खैर मैं आपके अपने बारे में बताऊँ तो ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, घर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का बहुत ही अभाव रहता है। हर एक चीज़ का अभाव रहने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर चीज़ें दे सकूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको बेहतर चीज़ें दूंगा और दूंगा ही। इसलिए आपको क्या करना है, कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये फॉर्म को भरेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और आपको बेहतर तरीके से वैल्यूज़ दे सकूँगा। तो यहाँ पे कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप BSc में इंटरेस्टेड है तो BSc में क्लिक कर सकते हैं, MSc में इंटरेस्टेड है तो MSc में क्लिक कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिस्टेंस लर्निंग, BCA, MCA, फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मेडिसिन, हेल्थ केयर और होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलरी, एविएशन एंड फैशन डिज़ाइन, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो आप किस में चाहते हैं, अगर आप BSc में चाहते हैं तो BSc पे क्लिक करेंगे, तो मैंने BSc पे क्लिक कर दिया है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एग्जांपल के तौर पे ग्रेजुएशन है या फिर 12th है, तो 12th पे क्लिक कर दिया और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए मिलते रहेंगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहे तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, पर डेफिनेटली आपको वैल्यूज़ काफ़ी मिलने वाली हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है इसे आप ज़रूर भर दें। इससे क्या होगा, किसी कारणवश फॉर एग्जांपल आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, या फिर आपका एडमिशन नहीं भी होता है, या फिर आप लेते ही नहीं, या फिर प्लान बदल देते हैं, तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से जब ऑफर्स रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, और जहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो जो भी डिटेल्स है आप उसे ज़रूर भरें, और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है आपको। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है, यहाँ पे देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई फॉर UGPG कोर्सेज। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो डेफिनेटली भर लें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जामिनेशन डेट हैज़ बीन अनाउंस दैट नाउ द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 21, 22, and 28 सितंबर फॉर UGAT कोर्सेज एंड 29 and 30 सितंबर फॉर द PGAT कोर्सेज। यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अनाउंस हो चुका है डेट्स, जो 21 सितंबर, 22 सितंबर और 28th यानी 28 सितंबर को UGAT यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट का एंट्रेंस होगा, और 29 और 30 सितंबर को यानी 29 सितंबर एंड 30 सितंबर को PGAT यानी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट का एंट्रेंस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्विक लिंक से ब्राउशर चाहते हैं तो ब्राउशर चेक कर सकते हैं, UGAT का PGAT का ब्राउशर है। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड रिजल्ट, आंसर की कट ऑफ, काउंसलिंग, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस प्रिपरेशन, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दिखा हुआ है क्लिक हियर टू चेक डिटेल्स, तो डेट्स इस पर क्लिक करेंगे तो नए टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमें डेट्स चेक करना है। तो यहाँ पे एंट्रेंस की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, रिवाइज हो गई हैं नई डेट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नया डेट जो है वो UGAT का 21 सितंबर, 22 सितंबर और 28 सितंबर को होने वाला है, या अगर आप 29 और 30 सितंबर को चाहते हैं तो उस दिन आपका PGAT का होने वाला है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको कैसे मालूम कि ये डेट नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हियर टू व्यू नोटिस पे क्लिक करेंगे तो एक नोटिस दिया गया है टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे देख सकते हैं 21 सितंबर को मंडे को BSc मैथ्स, BSc बायो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। यहाँ पे OMR बेस्ड टेस्ट जो है BCom और BSc होम साइंस ऑनलाइन ऑफलाइन। 22 सितंबर को BA, BFA, BPA ऑनलाइन ऑफलाइन, BA, BA, LLB ये देख सकते हैं। 28 सितंबर को LLB 3 ईयर्स का, 29 सितंबर को PGAT और LLM MCom के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। ओके, तो ये डेफिनेटली आप सारी चीज़ें देख लें। अगर आपने लास्ट टाइम ये फॉर्म नहीं भरा तो डेफिनेटली आप भर दें, अपना फुल नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से राज्य से, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करूँ, आप कहीं और के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मैं इलाहाबाद का हूँ, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप साइंस में इंटरेस्टेड है या BSc में, तो BSc पर क्लिक करें, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी ग्रेजुएशन लेकर गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना। यहाँ पर डेट्स के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर डेट्स भी दे दिया गया है, नया रिवाइज डेट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे भी UGAT का रिवाइज डेट्स आ चुका है, यहाँ पे PGAT का रिवाइज डेट्स आ चुका है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपको वैल्यू दी है और इस वीडियो के माध्यम से पूरी बताने की कोशिश की है आपको कि नई डेट्स क्या हैं और कैसे चेक करने, पूरे प्रूफ के साथ दिया है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पेज की, उसे आप चेक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप जैसा चाहें वैसे चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मैं और भविष्य में आपको और बेहतर वीडियोस दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।